जनूबी एशिया के दो अहम और रिवायती हरीफ ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान सैकड़ों किलोमीटर्स पर फैले हुए बॉर्डर पर दीगर कई खतरनाक मकामात के अलावा दुनिया के बुलंद तरीन जंगी महाज सियाचिन ग्लेशियर का शुमार भी होता है, जहां कब्जे के लिए कई बार दोनों ममालिक की मुसल अफवाज के दरमियान झड़पें हुई और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी हुआ है, जबकि 1984 से यह खतरनाक इलाका भारत के जेर कब्जा है। पिचहत्तर किलोमीटर तवील और तकरीबन 23,000 फीट की बुलंदी पर तकरीबन 10,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ सियाचिन ग्लेशियर का खित्ता इस कदर नाकाबिले रसाई है कि सन 1972 तक भारत और पाकिस्तान दोनों ने इसकी हद की वजाहत करने की ज़रूरत ही नहीं समझी थी। भारत का सर उस वक्त झुक गया जब 70 की दहाई में कुछ अमरीकी दस्तावेजात में NJ 9842 के आगे कुराक्रम रेंज के इलाके को पाकिस्तानी इलाका जाहिर किया जाने लगा। इंडिया को यह भी मालूम हुआ कि पाकिस्तान मगरबी ममालिकी कोपेमई टीमें भी इस इलाके में भेज रहा है ताकि इस इलाके पर अपना दावा मजबूत किया जा सके। सन 80 की दहाई में इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ के जासूसों को मालूम हुआ कि पाकिस्तान जर्मनी से ज्यादा ऊंचाई पर रहने के लिए खसूसी कपड़े खरीद रहा है। रॉ के साबिक सरबराह विक्रम सूद उस वक्त श्रीनगर में तैनात थे। वो खुद 15 कोर के बादामी बाग हेडक्वार्टर गए और कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PN होन को पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सरगर्मियों से आगाह किया। उन्हें इस बात का ख्याल था कि पाकिस्तानी फौज ये कपड़े पिकनिक के लिए तो नहीं खरीद रही है। भारत के साबिक एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम ने अपनी किताब में दावा किया है कि पाकिस्तान ने 1983 के मौसम सरमा में बिलाफोन ला को कंट्रोल करने के लिए मशीन गनों और मार्टरों से लैस अपनी फौज का एक छोटा दस्ता भेजा था। ख्याल किया जाता है कि इंतहाई खराब मौसम और असद की फरहमी में नाकामी की वजह से उन्हें वहां से वापस आना पड़ा। जब भारतीय फौजी सियाचिन में उतर रहे थे तो पाकिस्तान के फौजी आमिर जनरल जियाउलक सियाचिन में रहने के लिए स्कर्दू में एक बटालियन बर्जल फोर्स को तरबियत दे रहे थे। मनसूबा यह था कि अप्रैल या मई में उसे वहाँ भेज दिया जाएगा, लेकिन इंडियन फौजी उनसे पहले वहां पहुंच गए। बर्जल फोर्स ने 25 अप्रैल सन 1984 को इंडियन फौजियों पर पहला हमला किया, पर वो कामयाब साबित न हो सका। उस वक्त पाकिस्तान के साबिक फौजी सदर और आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ भी वहां तैनात थे। वो अपनी सवानो उमरी इन द लाइन ऑफ फायर में लिखते हैं कि हमने मशवरा दिया कि हम मार्च में वहाँ जाएँ, लेकिन शिमाली इलाका जात के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने मेरे मशवरे की मुखालफत करते हुए कहा कि दुश्वार गुजार इलाके और ख़राब मौसम की वजह से हमारे सिपाही वहां नहीं जा सकते। उनका मशवरा था कि हमें वहां 1 मई को जाना चाहिए। चूंकि वो कमांडर था इसलिए उसकी बात मान ली गई। यहां हमसे गलती हो गई। जब हम वहां पहुंचे तो वहां की बुलंदियों पर इंडियन पहले से ही काबिज हो चुके थे। जंगी माहरीन का कहना है कि सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसा महाज है जहाँ मुसला महाज 250 से ज़्यादा हादसा तो वाक़ात में जानी नुकसान हुआ है, और अगर किसी तरफ से फौजी की मौत वाक़ हो जाती है तो उसकी लाश को हेलीपैड तक लाना भी खासा मुश्किल काम होता है और कई दिनों तक मैयत को बंकर में रखना पड़ता है, जबकि मुर्दों की हड्डियां भी तोड़ी जाती हैं ताकि हेलीकॉप्टर में रखा जा सके। सियाचिन ग्लेशियर्स पर कई इंच तक बर्फ पड़ती है। सबसे बड़ा मसला खाना पकाने का है। चावल पकाने के लिए प्रेशर कुकर की 21 सीटियाँ लगानी पड़ती हैं। अगरचा फौज की जानिब से हर सिपाही को हाई प्रोटीन वाली खुराक दी जाती है, लेकिन वहाँ कोई उसे नहीं खाता क्योंकि वहाँ भूख नहीं लगती। बहुत से फौजियों की जिल्द का रंग स्याह हो जाता है। वहाँ तैनात ज़्यादातर फौजी नींद की कमी की शिकायत करते हैं। डॉक्टरों का ख्याल है कि नींद ना आने की बड़ी वजह ऑक्सीजन की कमी है। आमतौर पर फौजियों को सियाचिन में तैनाती के दौरान गर्म जुराबों के 9 जोड़े दिए जाते हैं। जो लोग उनका इस्तेमाल नहीं करते उन्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। सियाचिन ग्लेशियर पर इंसानी जिस्म को कम ऑक्सीजन, शदीद सर्दी, अल्ट्रावायलेट तापकारी और इंतहाई कम नमी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा लंबे अरसे तक तन्हाई में रहना, हमेशा टिन के खाने पर इनहसार करना, पीने का साफ पानी हासिल करने में दुश्वारी, बिजली के बगैर आर्जी खेमों में रहना और दुश्मन के हमले से हर वक्त खौफजदा रहना, ये सब इंडियन फौजियों का एक बहुत बड़ा इम्तिहान समझा जाता है।
सियाचिन की बुलंदी पर एक सेहतमंद सिपाही के फेफड़ों में ऑक्सीजन की सतह समंदर की सतह पर रहने वाले फेफड़ों की शदीद बीमारी में मुब्तला शख्स के बराबर होती है। वहाँ तैनात इंडियन फौजियों को फेफड़ों और दिमाग में पानी जमा होने की बीमारी हो जाती है। एक ज़माने में वहाँ तैनात 100 फौजियों में से 15 को ऊंचाई की वजह से होने वाली बीमारी पल्मोनरी ओडिमा हुआ करता था, लेकिन डॉक्टरों की मेहनत की वजह से अब यह बीमारी 100 फौजियों में से सिर्फ एक को लगती है। सियाचिन में अब भी भारतीय फौजियों की अमवात होती हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर अमवात अब हादसाती हैं। सियाचिन से वापसी के बाद फौजियों को सबसे ज़्यादा वजन में कमी, ज़रूरत से ज़्यादा नींद आना, चीज़ें भूल जाना और जिनसी कुव्वत में कमी जैसी शिकायत होती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया की हुकूमत दुनिया की बुलंद तरीन मैदान जंग सियाचिन के महाज पर रोज़ाना 6 करोड़ यानी हर साल 2,190 करोड़ रुपए खर्च करती है। वहाँ भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने तकरीबन 5,000 फौजी तैनात कर रखे हैं। हिंदुस्तान अब तक इन फौजियों के लिए खसूसी लिबास और कोह पेमाई के सामान के लिए 7,500 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है। सियाचिन में तैनाती के दौरान हर फौजी को दी जाने वाली किट पर औसतन 1,00,000 रुपये लागत आती है। इसमें से 28,000 रुपये खसूसी कपड़ों पर, 13,000 रुपये खसूसी स्लीपिंग बैग, 14,000 रुपये दस्ताने और 12,500 रुपये एक जोड़े पर खर्च होते हैं। 1984 से लेकर अब तक तकरीबन 869 इंडियन फौजी सियाचिन में हलाक हो चुके हैं, जो कि कारगिल जंग में मारे जाने वाले फौजियों की तादाद से कहीं ज़्यादा है। इनमें से 97% इंडियन फौजियों की मौत पाकिस्तान के साथ लड़ाई में नहीं बल्कि मौसमी हालात की वजह से हुई है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सियाचिन के महाज पर कब्जे की जंग पर सबसे दिलचस्प तबसरा ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो स्टीफन कोहेन ने किया। उनका कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस तनाज़े का मुवाजना दो गंजे मर्दों की लड़ाई से किया जा सकता है जो कंघी के लिए लड़ रहे हैं।